अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी रेसिपी है मटन हरीस। तो चलिए अब हमने इसके लिए क्या क्या लिया है देखते हैं। आधा किलो गोश्त है ये, और ये हमारी दालें हैं 100-100 ग्राम, और ये हरीस का रवा है 50 ग्राम, और ये गेहूं का रवा है 50 ग्राम, और चने की दाल, तुवर की दाल, मसूर की दाल, और ये हमारे खड़े गरम मसाले हैं। ये तेज़पत्ता है, दालचीनी, इलायची और शाहजीरा, लौंग, कबाब चीनी और काली मिर्च, ये सारे मसाले हैं। ये एक बंच कोतमीर और एक बंच पुदीना और हमारे 8 से 10 हरी मिर्च। अब हम इसको गोश्त कुकर में डाल लेंगे पहले, और हम ये झटपट बना रहे हैं रेसिपी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। सारे दालें हम धो लेंगे, धोकर इसमें ऐड कर लेंगे। रवे को भी हमने धो लिया है, ये धोकर सब चीज़ हम इसमें मिला लेंगे। हरा मसाला, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक, खड़े गरम मसाले, कोतमीर, पुदीना और हरी मिर्च, सब डालकर हम इसमें 2-3 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करके 2 से 4 से 5 सीटी लगा लेंगे हम कि गोश्त और दालें अच्छे से गल जाए। 4 से 5 सीटी आने तक हम इसे फिर खोल कर देखेंगे। ये हमारे 4 से 5 सीटी हो गई है, ये हरीस हमारी अच्छे से गल गई है। अब इसको अच्छे से घोटेंगे हम। अच्छे से घोट के रेशा रेशा बने तक इसको अच्छे से घोट लेना चाहिए हमें। अब इसे घोट कर हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, खुले बर्तन में। अब हम हरीस के लिए प्याज तल लेंगे, फ्राइड अनियन। तेल डालकर हम इसे 2 बड़े डली प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हरीस को हम खुले बर्तन में डाल लेंगे। अब हम इसमें तली हुई प्याज और कोतमीर पुदीना थोड़ा सा डालकर इसे 10-15 मिनट के लिए अच्छे से फिर से घोट कर पकाएंगे। 15 मिनट धीमी आंच पे घोट लेंगे हम। अब हम इसमें 50 ग्राम घी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम 2 बार करके डालेंगे। ये हमारी हरीस बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी बनी है, मज़े की झटपट रेसिपी है ये मेरी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।